तो अगर मैं आपका नंबर ले लूँगा है ना, थोड़ा मेरे को गाइड कर देना, मैं उधर भी हो जाऊँगा, साउथ वो नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है ना, आया हूँ तो फिर उधर भी राउंड ले लेता हूँ। अभी नॉर्थ है। अच्छा, साउथ अंजुना पंजी से आगे। अच्छा, वो जो कोला बीच है, माधव बीच है, जनेलिक बीच है, कोलवा है, वारका। अच्छा, तो अभी कहाँ लेके चल रहे हो आप? अभी कहाँ, वो बीच पे ले गया है। अच्छा, उधर बीच के बाजू में ले गया है। ओके, ओके, बाजा 1 किलोमीटर बीच है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ गोवा। गोवा मैं कल शाम को मुंबई कांदिवली ईस्ट से चला था, वॉल्वो बस मैंने की थी, और शाम 7 बजे की बस थी, और सुबह 10 बजे मैं मापुस पहुँच गया था, और वहाँ से मैं कैब करके आया ये अपने कैलनगुट बीच पे, और यहीं पे ये मैंने रेस्ट हाउस लिया है। बहुत चीप है रेस्ट हाउस, ज़्यादा इसका चार्ज नहीं है, 1200 है, और बीच के एकदम पास में है, 50 मीटर पर बीच है ये। मैं इसका बालकनी का गेट खोलता हूँ तो सामने बीच दिखता है, तो इससे चीप में यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा 1200, क्योंकि और भी मैं गेस्ट हाउस में गया था, वहाँ पे तकरीबन 2000-2500 और कुछ खास भी नहीं था, सेम था, तो मुझे अच्छा लगा और 2 दिन के लिए मैंने ये बुक कर लिया। तो काफ़ी लंबा सफ़र था ये मेरा, और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो क्योंकि सुबह से ये रूम वगैरह ले रहा था, और उसके बाद अभी खाना खाया, जस्ट खाना मंगवाया, और खाना भी सही रेट में मिल गया, कुछ ज़्यादा रेट नहीं था यहाँ पे, जैसा एज इट इज होता है वैसा ही था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब 20-30 रुपये का ऊपर नीचे था। और शाम को मैं आपको बीचेस दिखाऊंगा गोवा के, अभी मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था, पूरी रात बस से ही सफ़र कर रहा था, फिर आने के बाद भी अभी तक आराम नहीं किया, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद उठूँगा, नहाऊँगा, और फिर शाम को चलेंगे बीच।
तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ कैलनगुड बीच, जो मेरे रूम से कुछ 50 मीटर की दूरी पे ही है। तो अभी मैं इधर आया हूँ और देखो ये फॉरनर्स लोग भी इधर बैठे हुए हैं और सब बैठे हैं अपने। अभी तो धूप जा चुका है, धूप में मैं आया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो मैं आया हूँ यहाँ पर। और अभी मैं जा रहा हूँ बागा बीच की साइड, तो यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर वो पड़ेगा।
वो बागा बीच थोड़ा दूर है, ये देखो ये जो पहाड़ दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ से, तो वहाँ पे बागा बीच है, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा वीडियो शूट किया मैंने पूरा, और ये अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मेरे घर से, मेरे रूम से पास में ही स्टार्ट हो जाता है ये कलंगुट बीच, ये काफ़ी लंबा है। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं मुंबई से बाहर किसी बीच पे आया हूँ, गोवा में भी फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं, और मेरे को घूमने का एक्चुअली इतना शौक़ नहीं है, व्लॉगिंग के लिए आया हूँ। और यहाँ पे देखो खुले आम, आप बियर वगैरह भी पी सकते हो, अच्छा है। बाकी बीच मुंबई में बीच है, लेकिन यहाँ की अलग बात है, यहाँ फीलिंग अलग है गोवा की। तो ये सबको अभी तो सबको पता है, लेकिन हाँ मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है, मैं आया हूँ। और यहाँ पे आना भी सस्ता ही है और रहना भी सस्ता है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्ड कर सकता है कोई भी। और थोड़ा दूर लोगे बीच से थोड़ा दूर लोगे रूम तो थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा आप लोग। और यहाँ पे बाइक वगैरह रेंट पे मिल जाती है, आप कहीं भी जाओ तो घूम सकते हो, कहीं जा सकते हो। ये देखो ये पास में बोट खड़ी हुई है, और ये देखो मेरे पीछे जो है वहाँ से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो खाने पीने का या लेके। तो अभी मैं कुछ ऑर्डर करूँगा और कुछ खाता हूँ, जूस वगैरह पीता हूँ, बियर तो मैं नहीं पीता। और यहाँ 2 दिन रुकूँगा मैं गोवा में, 2 दिन रुकने के बाद 30 को निकल जाऊँगा केरला के लिए, और केरला के बाद 2-4 दिन वहाँ रुकूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड फिर मनाली, ये सब टूर कंप्लीट करूँगा उसके।
मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे वापस, थोड़ा नाइट अंधेरा हो जाएगा तो वापस आऊँगा, क्योंकि अभी मैं तो बोर हो रहा हूँ यहाँ पर अकेला हूँ ना। दोस्तों के साथ आना चाहिए एक्चुअली, अकेले आदमी बोर हो जाता है। लेकिन अच्छा लगा इस, लेकिन अभी जाता हूँ मैं रूम पे या फिर कुछ एक्टिविटी करूँगा तो वापस रूम की साइड ही जा रहा हूँ, और या देखता हूँ मार्केट जाता हूँ, मार्केट दिखा देता हूँ। जाता हूँ जाके कुछ एक्टिविटी करता हूँ, या तो अभी तो ज़्यादा रात ज़्यादा शाम ज़्यादा हो गई है, तो या तो कल करूँगा या देखता हूँ अगर अभी टाइम है तो। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं, लेकिन दो ढाई किलोमीटर में आगे चला गया था पैदल पैदल। तो अभी वो जो सामने दिख रहा है वहां पे मेरा रूम है थोड़ा सा बस आगे, तो चलते चलते हालत हो गई है ख़राब। अभी जाता हूं रूम पे, थोड़ा रात होगी तो वापस आऊंगा, थोड़ा अंधेरा हुआ तो, और कल का दिन देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है शाम के वक्त इधर। लेकिन फ्रेंड लोगों के साथ हो ना तब अच्छा लगता है, ऐसे अकेले आके तो बोर ही होना है यहाँ पे, क्योंकि एंजॉयमेंट की चीज़ें हैं लेकिन अकेले आदमी क्या एंजॉय करेगा। देखो जो अकेला बैठा है वो बोर ही हो रहा है मेरे जैसे।
फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ रूम पे और काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि मैं बागा जाने के चक्कर में मैं आधी दूर चला था और उसके बाद वापस आया तो मैं बीच में कलंगुट बीच छूट गया और मैं आगे चला गया बहुत। और वहाँ से जब रिटर्न आया तो मतलब तकरीबन 8-10 किलो, 8-9 किलोमीटर मैं आज पैदल चल लिया। तो उस चक्कर में मेरी टांगे बहुत दर्द, बड़ी मुश्किल से मतलब समझो घर, एक टांग में इतना दर्द होने लग गया है, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। और यहाँ तो अभी तो कोई मेडिकल भी नहीं है आसपास तो कि मैं दवा ले लूँ। एक पैर मेरा बहुत दर्द कर रहा है चल के, क्योंकि कभी चलता नहीं हूँ ना उतना, तो अचानक इतना चल लिया तो काफ़ी ज़्यादा दर्द दर्द हो रहा है। तो आज का दिन तो मेरे हिसाब से खराब ही रहा है मेरा, क्योंकि आज ही आया था, आज ही भागा दौड़ी में सब हो गया। अभी जाना था बीच वापस, लेकिन वो भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आते आते ही रात हो गई थी मेरे को, आते आते 9 बज गया था, आके लेटा मैं और लेट के हिम्मत नहीं हुई कि कुछ करूँ। मैं खाना भी नहीं मंगवाया मैंने, अभी ऑर्डर करूँगा, देखता हूँ क्या ऑर्डर करता हूँ। तो वीडियो भी कुछ खास नहीं बना पाया मैं, बनाया ही नहीं मैंने कुछ खास। तो कल का दिन है, कल का दिन और देखते हैं, कुछ एक्टिविटी मैं नहीं कर पाया जो यहाँ पे बीच पे होती है, तो कल एक्टिविटी ही करूँगा यहीं पे और शाम को निकल लूँगा, देखता हूँ शाम। तो अभी मैं टिकट करूँगा शाम का, तो कल दोपहर में ही बीच पे रहूँगा, शाम को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और या तो केरला, केरला का टिकट मैंने देखा मिल नहीं रहा है, और ट्रेन का तो खाली नहीं मिलता, बस का देख रहा हूँ मैं। और या फिर वापस मुझे जाना पड़ेगा मुंबई, तो मुंबई तो नहीं जाऊँगा, बीच में लोनावाला पड़ता है वहाँ चला जाऊँगा, लोनावाला के बाद मुंबई जाके फिर केरला नहीं जाऊँगा, फिर डायरेक्ट उत्तराखंड जाऊँगा। तो ये मेरे को करना पड़ेगा अभी, अभी तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ करूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ, खाना ऑर्डर भी नहीं किया है, अभी करूँगा खाना ऑर्डर। पूरा दिन थकान के कारण बहुत ही बुरा गया है मेरा आज का। तो अभी देखता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठूँगा। और यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है जो वीडियो एडिट करके मैं भी डाल लूँ। वाईफाई वो मैंने पूछा नहीं शुरू में जब रूम ले रहा था कि वाईफाई है या नहीं, मेरा मिस्टेक हो गया। आफ्टर पेमेंट जब मैं ऊपर आया तो फिर मुझे ध्यान आया कि वाईफाई तो है नहीं यहाँ। फिर उसने मुझे दूसरा रूम भी दिखाया था अपना, थोड़ी दूरी पे था, लेकिन वो रूम मुझे पसंद नहीं आया। तो मेरे को लगा कि 2 दिन तो निकाल लें, तो बिना वाईफाई के निकाल लूँ, उसमें क्या है। तो इसलिए वीडियो तो बाद में ही अपलोड कर पाऊँगा मैं। तो आप भी गोवा आ सकते हो, अच्छा है, जैसा सुना था वैसा ही है सब। लेकिन हाँ, आसपास के जो गेस्ट हाउस है वो थोड़ा देख के लें, मैंने जैसे लिया चीप लिया, आप थोड़ा अच्छा भी ले सकते हैं कुछ। मैंने तो 1300 में लिया, तो आपको कुछ 2-2500 में अच्छा भी मिल जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि बीच के एकदम पास में ही लें, दूर लेके तो मतलब नहीं है, क्योंकि चलते चलते यहाँ कुछ साधन नहीं है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ जगह जगह पर ऑटो है, फिर ओला उबर भी होती है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको बाइक रेंट पे लेनी पड़ती है। अब बाइक रेंट पे मैंने ली नहीं आज, क्योंकि बीच पे थोड़ी मैं बाइक चलाऊँगा, तो इस चक्कर में मैंने नहीं ली। बीच पे ही मैं वो उल्टा राउंड हो गया रास्ता, वो बीच में निकल गया था इस वजह से। तो कल देखता हूँ, या तो बाइक लेता हूँ या फिर एक्टिविटी करता हूँ। मेरा तो मन नहीं है कि मैं अभी कहीं जाऊँ गोवा में, तो कल एक्टिविटी करके उसके बाद यहाँ टिकट करवा के और यहाँ से निकल, टिकट तो अभी करवा लूँगा मैं कहीं का, क्योंकि एट द टाइम तो टिकट भी नहीं होता है। और कल शाम तक निकल जाऊँगा यहाँ से, और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।